कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा सङ्गो कवि कर्मणि। प्रिय दर्शको नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं, अक्ल इसे माने या ना माने। ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। मिस्टर बलबीर धवन? जी हाँ। मिस्टर बलबीर, हमें मुंबई पुलिस से मैसेज मिला है कि आपको फौरन मुंबई पहुंचना है। क्या बिगाड़ा था? मेरी पत्नी और मेरे उस मासूम बच्चे ने किसी का जो इतनी पहले भी तो मार डाला गया उन्हें। प्लीज तुम इस घर का जितना जल्द से जल्द हो सके सौदा करवा दो। प्लीज सुन, हमारा अपना घर, अपनी छत, अब हम अपनी जिंदगी आराम से बिताएंगे। कौन हो तुम? मैं सरोज हूँ। सरोज? हाँ, बलबीर धवन की पत्नी, और इसी घर में मेरा और मेरे बेटे का खून हुआ था। खून? हाँ, इसी कमरे में। देखिए, हमें इस खून के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हमने जब ये मकान खरीदा था तो किसी ने हमें इसके बारे में बताया नहीं, वरना हम ये मकान खरीदते नहीं। हम आपसे वादा करते हैं, हम यहां से चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं, और ना ही इस घर से निकालने आई हूं। मैं तो बस अपनी शांति के लिए आप लोगों से विनती करने आई हूं। जिस आदमी ने मेरा और मेरे बेटे का खून किया वो अब तक आजाद घूम रहा है, और मैं उसे सजा दिलवाना चाहती हूं। क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे? मदद? कैसी मदद? हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? हम तो उस कातिल के बारे में कुछ जानते भी नहीं। बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ मैं जानती हूं मेरा कातिल कौन है। वो बड़ा शातिर और बड़ा चालाक है। पुलिस को उसे पकड़ना तो अलग, उसके बारे में सोचना भी एक दूर की बात है। मैं सब कुछ बताऊंगी। मुझे आज भी याद है, उस शाम मेरे पति बलबीर किसी जरूरी काम से दिल्ली जा रहे थे। मैंने सामान सब कुछ पैक कर दिया है, दिल्ली पहुंचते मुझे फोन करना। वो तो मैं कर ही दूंगा जान, बट तुम अपना और इस बदमाश का ख्याल जरूर रखना। और सुनो, मम्मी को जरा भी परेशान नहीं करना। नहीं पापा। मुआ। मुआ। मैं फोन जरूर करूंगा।
देर हो जाएगी। तुमने और तुम अभी अभी दिल्ली के लिए निकले थे ना, फिर घर वापस कैसे आ गए? मैं जानती हूं तुम ये क्या कर रहे हो तुम? तो कहा था कि आपके पति दिल्ली गए हैं, इसका मतलब है कि वो दिल्ली नहीं गए? दिल्ली तो वो गया था, लेकिन कैसे? यही तो चालाकी की उसने। ट्रेन से उतरने के बाद वो टैक्सी में घर आया और फिर मेरा और मेरे बेटे का खून किया। फ्लाइट पकड़कर वो बड़ौदा पहुंच गया और फिर वही दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ी। दिल्ली तक का सफर उसी ट्रेन में किया और वो दिल्ली पहुंच गया। मिस्टर बलबीर धवन? जी हाँ। मिस्टर बलबीर, हमें मुंबई पुलिस से मैसेज मिला है कि आपको फौरन मुंबई पहुंचना है। मुंबई? जी हाँ। मगर क्यों? देखिए, हमें सिर्फ ये मैसेज मिला है कि आपके घर में कोई सीरियस प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? बताइए ना, बात क्या है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? वो तो हमें नहीं पता, मुंबई पुलिस से जो हमें मैसेज मिला वो हमने आप तक पहुंचा दिया।
ओह माय गॉड, इतनी घिनौनी साजिश! बलबीर इतना शातिर कातिल निकला कि उसने अपने जुर्म का कोई सबूत नहीं छोड़ा। उसने खून इतनी इतनी सफाई से किया कि किसी ने भी उस पर शक नहीं किया। लेकिन लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है कि बलबीर ने तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का खून किया क्यों? ये तो इस कहानी का दर्दनाक पहलू है। कभी कभी इंसान के पास जब दौलत आती है ना, तो उस दौलत को संभालने के लिए उसके पास शक्ति भी होनी चाहिए। मैं तो बलबीर को फरिश्ता समझती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो तो नशे में चूर किसी शशि नाम की औरत के प्रेम जाल में पड़ गया। कभी कभी दौलत की लालच में औरत ही औरत का घर उजाड़ती है। मेरे बेटे ने अपने पिता को उसी औरत के साथ देख लिया। वो मेरे पास आया और उसने ये बात बताई। आप ही बताइए, एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते, मैं इस बात को कैसे सहन करती? मेरी इतनी दिनों की सेवा और वफादारी का ये बदला लिया है तुमने? अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरी औरत के प्रेम जाल में पड़ गए हो तुम? सरोज, ये तुम कैसा इल्जाम लगा रही हो? क्या कहना चाह रही हो तुम? बॉस रॉन्ग विद यू। इल्जाम नहीं, सच्चाई है। कहो कि आज तुम उस औरत से नहीं मिले। औरत? कौन सी औरत? किस औरत की बात कर रही हो तुम? अच्छा तो चलो मेरे साथ, सब कुछ पता चल जाएगा। बताओ बेटा, बताओ कि तुमने अपने बाप को किसी दूसरी औरत के साथ कमला नेहरू पार्क में इश्क लड़ाते हुए देखा? हाँ पापा, मैंने आपको दूसरी औरत के साथ देखा था। बस सुन लिया, क्या कुछ और कहना बाकी है? सरोज मेरी बात तो सुनो। सरोज, सरोज, सरोज प्लीज मेरी बात तो सुनो। सरोज, सरोज, सरोज ओपन द डोर प्लीज, दरवाजा खोलो। सरोज, सरोज प्लीज, मेरे लिए नहीं लेकिन अपने बेटे अमर के लिए दरवाजा खोलो। सरोज प्लीज, उसके उसके भविष्य के लिए दरवाजा खोलो प्लीज। देखो मुझसे गलती होगी लेकिन आई प्रॉमिस यू आइंदा ऐसी कभी गलती नहीं होगी। सरोज, सरोज प्लीज। ठीक है, मुझे छूकर मेरी सौगंध खाकर कहो कि मेरे सिवा किसी दूसरी औरत के साथ संबंध नहीं रखोगे। तुम्हें छूकर तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हारे सिवाय किसी और औरत की तरफ देखूंगा भी नहीं। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? सरोज सच कहूं, तुम औरत नहीं, तुम देवी हो। बस बस, थैंक्स। सुनो, अमर को भी समझा देना क्या सोचेगा मेरे बारे में। अच्छा, खुद समझ जाएगा। मिस्टर बलबीर धवन, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक साथ दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकते। शशि, शशि, मैं तुम्हारे लिए अपनी पत्नी और बच्चे को भी छोड़ सकता हूँ। मिस्टर बलबीर, सरोज के साथ तुमने अग्नि के साथ फेरे लिए हैं। जिंदगी भर साथ निभाने का वचन दिया है तुमने उसे, और अमर, अमर तुम्हारा खून है, तुम्हारी औलाद, और मैं तो बस पराई हूँ। तो मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? हो सकता है कि कल तुम्हारा मुझसे जी भर जाए और तुम अपनी बीवी और अपने बेटे के पास वापस चले जाओ। शशि, फिर तुम ही बताओ कि तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, प्लीज टेल मी। मैं जो कहूंगी कर नहीं पाओगे तुम। देखो शशि, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यू नो मच आई लव यू। अच्छा तो सुनो, मुझे पाने के लिए तुम्हें अपनी बीवी
और अपने बेटे को खत्म करना होगा। बोलो, कर पाओगे तुम? मोहब्बत और जंग में सब जायज है, सब जायज है। I love you। और उस औरत की शह पर बलबीर धवन ने मेरा और मेरे बेटे का खून कर दिया। जब तक मैं अपने कातिल को सजा नहीं दिलवाती, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, मेरी आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी। आप मेरी मदद कीजिए और मुझे इस अजाब से मुक्ति दिलवाइए। सरोज बहन, चाहे जितनी भी चालाकी और प्लानिंग से बलबीर ने आपका और आपके बच्चे का खून किया हो, चाहे कानून के हाथ उसके गिरेबान तक ना पहुंचे हो, लेकिन कुदरत का इंसाफ बहुत निराला होता है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। वो खूनी दरिंदा अभी तक आजाद घूम रहा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि वो अब बहुत देर तक आजाद नहीं घूमेगा। लेकिन लेकिन एक एक अहम सवाल मेरे मन में यह आता है कि हम कानून को कैसे यकीन दिलाएं कि आपका और आपके बच्चे का खून बलबीर नहीं किया है। मैं सबूत दिलवाऊंगी, मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं तुम्हें उस मुजरिम तक पहुंचाऊंगी। जो काम तुम कर सकते हो वो आत्मा नहीं कर सकती, और जो काम आत्मा कर सकती है वो तुम नहीं कर सकते। मैं तुम्हें उस मुजरिम तक पहुंचाऊंगी, मैं पहुंचाऊंगी, उसे सजा दिलवाऊंगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगी आगे क्या करना है। आप लोगों का उस केस से क्या ताल्लुक है? इंस्पेक्टर साहब, हमारा उस केस से भी ताल्लुक है और उस मकान से भी, क्योंकि वो मकान हमने खरीदा है। अच्छा, तो फिर बताइए मुझे उस केस के बारे में। इंस्पेक्टर साहब, पहले एक वादा करना होगा आपको कि आपको हमारी बात भी माननी पड़ेगी और हमारी मदद भी करनी पड़ेगी। देखिए मिस्टर, पुलिस जनता की दोस्त होती है, दुश्मन नहीं। अगर जनता और पुलिस दोनों मिलकर काम करें तो समाज में जुर्म पनप ही नहीं सकता। मैं आपकी हर बात यकीन करूंगा और हर तरह से आपकी मदद करूंगा। थैंक यू वेरी मच। सरोज बहन, सरोज बहन, सरोज बहन, आपने जैसा कहा हमने वैसे किया, लेकिन आगे की मंजिल बहुत खतरनाक और मुश्किल है। सरोज बहन, हर मुजरिम खतरनाक होता है और उसे पकड़ना और भी ज्यादा खतरनाक। जब समाज मुजरिम से डरता है तब उनके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं, और अगर वो डरना बंद करें तो मुजरिम की हिम्मत टूट जाती है। सरोज बहन, आप बताइए हमें आगे क्या करना होगा। बताती हूँ। आप तो खुश हो तुम? हाँ, बहुत खुश हूँ। सुनो, ये ड्रेस तुम पर बहुत ही ज्यादा जच रही है। You're looking very beautiful. Thanks. I love you. I'll just take a call. हेलो, बलबीर धवन स्पीकिंग। आप कौन? मिस्टर बलबीर, मैं अजीत बोल रहा हूँ। अजीत जिसने आपका मकान खरीदा है। अजीत, आपको यहाँ का नंबर किसने दिया? देखिए मिस्टर बलबीर, मैं इस वक्त ये बात बताना जरूरी नहीं समझता कि मुझे आपका नंबर कहाँ से मिला, लेकिन यह बात बताना जरूरी समझता हूँ कि जब मैंने ये मकान खरीदा था, मुझे यह बात मालूम नहीं थी कि इस मकान में आपके बीवी और बच्चे का खून हुआ। देखिए मिस्टर अजीत, मुझे ये बात बताना आपको जरूरी नहीं लगा, और ना ही मकान बेचते हुए मैंने ये जरूरी समझा कि ये बात मैं सबको बताऊं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन,
इस कत्ल के बारे में ना कि मोहल्ला बल्कि पूरा शहर जानता है। इट्स एन ओल्ड स्टोरी नाउ। सच कहा आपने मिस्टर बलवीर, आपने तो ये मकान बेच ही दिया, लेकिन उस हादसे के मुतालिक कुछ सबूत आप उस मकान में भूल ही गए। देखिए मैं नहीं जानता आप किस सबूत की बात कर रहे हैं। I don't know what you're talking about। फिर भी अगर चलो मान लेते हैं कि आपके पास कोई सबूत है भी, तो इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं मिस्टर बलबीर, प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मुझे? जी हाँ आपको, क्योंकि उन सबूतों के आधार पर शक की सुई आपके कातिल होने का सबूत दे दी। और मिस्टर बलबीर आप तो जानते हैं ना, शक को हकीकत में बदलने में वक्त नहीं लगता। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं मिस्टर बलबीर, मैं सब कुछ आपके हवाले करना चाहता हूं। इस तरह? देखिए मिस्टर बलबीर, आप मेरे बारे में कोई गलत राय कायम मत कीजिए। मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। आप बस यहां आइए और अपना सबूत ले जाइए। कब और कहां? अरे अपने घर में, आई मीन टू से मेरे घर में, आज रात को जब आपका मन चाहे। ठीक है मैं आऊंगा। आई विल बी देयर। क्या हुआ? सजीत का फोन था जिसने मेरा मकान खरीदा था। कहता है कि जो कत्ल मैंने किया है मेरे खिलाफ उसके पास सबूत है। खरीद लो उसे। नहीं शशि, उसे खरीदना खतरनाक साबित हो सकता है। उसका हिसाब किताब क्लियर करना होगा। और बलवीर धवन अकाउंट क्लोज रखने में यकीन रखता है। You know what? बलबीर, I love you. आइए आइए मिस्टर बलबीर। यस मिस्टर अजीत, तो वो कौन से सबूत हैं आपके पास? देखिए मिस्टर बलबीर, उस हादसे से मेरा कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट जब मैंने ये मकान खरीदा था उस हादसे के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। लेकिन मिस्टर बलबीर, किसी ने मुझसे ये कहा था कि उस हादसे के वक्त आप ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे, यानी कि कत्ल के वक्त आप ट्रेन में थे। हाँ, जब यह हादसा हो रहा था उस वक्त मैं ट्रेन में था, सुबह दिल्ली पहुंचा। आई सी, इसका मतलब यह है मिस्टर बलबीर कि यह वाक्य 15 दिसंबर की रात का है। लेकिन मिस्टर बलबीर, अब उसी रात को मुंबई से बड़ौदा गए थे बाय प्लेन। ये आप क्या कह रहे हैं? उस रात का एयर टिकट और बोर्डिंग पास जो आपके नाम का है वो मेरे पास है, जो आप यहीं छोड़ गए थे। इसका मतलब यह है मिस्टर बलबीर कि यह इस बात का सबूत हो सकता है कि पहले आप ट्रेन में चढ़े फिर बीच में ट्रेन से उतर गए, फिर अपने घर आए, अपने बीवी और बच्चे का खून किया, फिर रात को फ्लाइट पकड़ के आप बड़ौदा गए, जहां उसी ट्रेन से आप दिल्ली चले गए। वाह मिस्टर बलबीर, वाह, व्हाट ग्रेट प्लानिंग, आई एम रियली इंप्रेस्ड। वो टिकट और बोर्डिंग कार्ड कहां है ना मेरे पास?
ये टिकट, बोर्डिंग कार्ड। What's wrong with you, Mr. Ajit? ना ही ये टिकट मेरे नाम पर है, ना ही ये बोर्डिंग कार्ड। मैं जानता हूं मिस्टर बलबीर, ये तो सिर्फ मेरी एक चाल थी आपसे कन्फेस करवाने के लिए। ओके ओके मिस्टर अजी, लेट मी टेल यू, आपकी चाल तो कामयाब हो गई, मगर आप हार गए। वो कैसे? वो क्या है ना मिस्टर अजीत, इस राज को आपके और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अब आपका जिंदा रहना मेरे लिए मौत को दावत देने जैसा होगा। So, you have to die. मिस्टर बलबीर, ये आप क्या कर रहे हैं? वही मिस्टर अजीत जो मैंने 15 दिसंबर को किया था। देखिए, बलबीर जिसके खून से तुम्हारे हाथ रंगे हैं। देखो बलबीर, अपने हाथों को देखो। सरोज, तुम्हारी सरोज, सरोज की भटकती हुई आत्मा, याद है? वही सरोज जिसे अपने कातिल की तलाश है। नहीं सरोज, सरोज नहीं। मैं तो तुम्हारी पत्नी थी, अग्नि को साक्षी मानकर मैंने तेरे साथ फेरे लिए, लेकिन तूने मेरे और मेरे बेटे के साथ विश्वासघात किया। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तूने हम दोनों को ही मार डाला।
सरोज, अगर सारे लोग तुम्हारी तरह हो तो कोई भी लड़की अपने मांग में से दूर नहीं पड़ेगी। कोई भी पत्नी तेरे जैसे पति के हाथों कत्ल होने के लिए किसी संतान को जन्म नहीं देगी, कभी नहीं देगी। अगर तेरे जैसे लोग और हो जाए संसार में तो ये संसार कब्रिस्तान हो जाएगा। तूने ऐसा क्यों किया? तूने मुझे मार डाला? मुझे इस बात का गम नहीं है, गम इस बात का है कि तूने अपने बेटे का ही कत्ल किया। इतनी बेहरे में से मुझे मारा, किसी दूसरी औरत के शहर पर तूने ऐसा सब कुछ किया। क्यों, उस औरत में ऐसा क्या था? ऐसी कौन सी रूपवती थी वो जो मैं नहीं हूं? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बलबीर, बोलो ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्यों? मुझे माफ कर दो सरोज, मुझे माफ कर दो। उसने आवाज की लालच में हो गया था सरोज, मुझे माफ कर दो। मैं चालू हो गया था उस लड़की के पीछे जो मैं मैंने इतना बड़ा पाप किया सर, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई सरोज, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं गुनहगार हूं तुम्हारा, मुझे माफ कर दो। मुझे एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह करने वाले थे। तुम जानते थे कि अजीत के पास तुम्हारे कातिल होने का सबूत है और इसलिए उन दोनों को ही मारना चाहते थे। क्यों? मैं अपने आप को फांसी से बचाने के लिए मैं इन दोनों को भी कत्ल कर देना चाहता था सरोज, मुझे माफ कर दो। मैंने सब कुछ सुन लिया मिस्टर बलबीर, सब कुछ। तुम्हें इस घर में बुलाने का जाल पुलिस ने मिस्टर अजीत के साथ मिलकर ही बिछाया था। तुम्हारा इकबाल है जुर्म रिकॉर्ड हो चुका है। मैंने आज तक पेशावर मुजरिमों और पेशावर कातिलों से इतनी नफरत नहीं की जितनी तुमसे हो गई है बलबीर। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि किसी औरत के प्यार में अंधा होकर एक इंसान अपनी पत्नी और अपने बेटे का इस तरह कत्ल कर सकता है। सी, तुम इंसान नहीं जानवर हो बलबीर, जानवर। और मैं देखूंगा कि अदालत तुम पर किसी किस्म का रहम ना करते हुए तुम्हें फांसी पर चढ़ाए। और वो औरत शशि चौहान, उसे तो हम गिरफ्तार कर ही लेंगे जिसकी शह पर तुमने ये घिनौना अपराध किया है। मिस्टर अजीत, मिसेस करुणा अजीत, मैं और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों आपके शुक्रगुजार हैं कि आपकी मदद से पुलिस इस पेचीदा केस को हल करने में कामयाब हुई। हवलदार, ले चलो इसे। मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। एक भटकती हुई आत्मा कर भी क्या सकती थी, आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई। मुझे मुक्ति सिर्फ आप लोग दे सकते थे। सब कुछ जीतने के बाद भी मैं सब कुछ हार गई, सब कुछ खो दिया मैंने, अपने आप को भी और अपने बेटे को भी। एक बार फिर मुझे माफ कर दीजिए। जाने से पहले भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है कि इस संसार में बलबीर जैसे लोगों को पैदा ना करें।
भी ना करे।